तो दोस्तों आप सब कैसे हैं। आज सिखाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन का ब्लाउज। ये कोटी वाला ब्लाउज मैंने बनाया है। ये मैंने बाजू से स्टार्ट किया है और ये देखें बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई हुई है। इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिखाने के लिए मैंने दो कलर लिए हैं, वाइट और रेड कलर। इसको मैंने येलो और ग्रीन कलर से बनाया है और इसको मैं वाइट और ये रेड कलर से बता रही हूँ। तो इसके लिए फिंदे देखते हैं किस तरह से डालेंगे। और ये बाजू से मैंने स्टार्ट किया है। ये देखो इस तरह से हमें चार बार इसको डिजाइनर फिंदा डालेंगे, तो इसलिए इस तरह से ये देखें ये हमने कर लिया। अब देखें, आप ध्यान से देखिएगा, जो चार बार किया है उसमें हमने सिलाई को डाल लिया। अब देखें इस तरह से हमें फिंदे डालने हैं, ये देखें। अब देखें इधर से हमने इस तरह से कर लिया। एक बार उंगली पे लपेटेंगे, एक बार अंगूठे से के अंदर से लेंगे, तभी ये फिंदे इस तरह से डाले जाते हैं। ये देखें इस तरह से नॉर्मल फिंदे को डालेंगे, फिर अंगूठे पे इस तरह से करेंगे। ये देखें तो फिंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने 58 फिंदे डाले हुए हैं बाजू के लिए। बाजू का सबसे पहले मैं बॉर्डर बनाऊंगी, तो पूरी रो मैं सीधी सीधी निकालूंगी। ये देखें इस तरीके से। आपकी वूल अगर पतली है तो 10 नंबर की सिलाई से बनाइएगा, अगर मोटी है तो 9 नंबर से। और इसमें 200 ग्राम वूल लगेगी, एक कम लगेगी और एक थोड़ी ज्यादा लगेगी। पूरी रो हमें इसी तरीके से निकाल लेनी है, तो निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब देखें डिजाइन की उल्टी साइड से हम शुरुआत करेंगे। तो ये देखें एक दो तीन, तीन के बाद एक फिंदे को उतार लेंगे, फिर तीन फिंदे बिनेंगे, फिर एक फिंदे को उतारना है, फिर तीन फिंदे, फिर एक फिंदे को उतारना है। इसी तरह से हम पूरी रो में बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें सीधी साइड से, सीधी साइड से इन फिंदों को बाइट वालों को उल्टा बिनेंगे, बैक साइड धागे को करेंगे, इस फिंदे को हम स्लिप किया हुआ फिंदा हम स्लिप कर लेंगे। ये देखें इसी तरीके से पूरी रो में हमें बनाना है। तीन फिंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर एक फिंदे को हम स्लिप करेंगे पूरी रो में इसी तरीके से। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखा। अब फिर से देख लें एक बार। अब हम फिर से कलर को चेंज करेंगे। ये देखें बीच का फिंदा हम स्लिप करेंगे, अब तीन फिंदे रेड हो जाएंगे, फिर बीच का फिंदा स्लिप वाइट वाला। आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से डिजाइन को बना सकें। ये देखें इसी तरीके से हम ऊपर तक बनाएंगे डिजाइन को। ये देखें तीन फिंदे अब बाइट हो रहे हैं, एक फिंदे बाइट को सॉरी रेड हो रहे हैं, बाइट वाला एक फिंदा है बीच का। ये देखें साइड साइड के रेड होते जा रहे हैं,
और बीच का एक हम स्लिप करते जा रहे हैं। पूरी रो में हमें इसी तरीके से बनाना है। देखो कर लिए हैं। अब इस वाले फिंदे को उतार लिया, इसको भी उतार लेंगे। अब तीन फिंदे हम उल्टे बनेंगे। डिजाइन को हम इसी तरह से ऊपर तक ले जाएंगे। अब बाइट की जगह पे हम बाइट तीन कर लेंगे आपकी सिलाई में। इसी तरह से डिजाइन बनती जाएगी। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो अब बाइट तीन फिंदे हो जाएंगे। बाइट के ऊपर बाइट बनाएंगे और इसको हम स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरीके से डिजाइन को आगे बढ़ाना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखा। बॉर्डर मैंने बना लिया है। यहाँ पे डिजाइन देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं है। तो अब देखें सारे फिंदे रेड हो जाएंगे। पूरी सिलाई हम रेड कर लेते हैं इसी तरीके से, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो हमने एक रो पूरी कंप्लीट कर ली। अब देखें इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फिंदे बिनने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमें फिंदे को एक बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हम टोटल 5 फिंदे बढ़ाएंगे इसी तरह से। 8 या 10 फिंदे बिनते जाएंगे और एक फिंदे को बढ़ाते जाएंगे। तो एक बढ़ा लिया। अब देखें दूसरा, एक फिंदे से 2 फिंदे बनाएंगे, 2 बढ़ गए। इसी तरह से 3 फिंदे और इस वाली रो में बढ़ाएंगे तो 5 फिंदे हम बढ़ा लेंगे। अब देखें फिर से बढ़ा लिया, तो 3 बढ़ा लिए, 2 फिंदे और बढ़ाने हैं। तो इसी तरह से फिंदे मैं बढ़ा लेती हूँ 2 फिंदे, फिर मैं आगे की डिजाइन आपको। 5 फिंदे मैंने बढ़ा लिए। अब देखें हम वाइट कलर लगाएंगे। 2-2 सलाइन की ये डिजाइन है। फिंदे इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। 5 बढ़ाए, अब हम इस वाली सिलाई में 8 फिंदे बढ़ाएंगे। एक सिलाई निकालने के बाद सीधी साइड से हम फिंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब फिर से देखें, इसमें मैं 8 फिंदे बढ़ाऊंगी। 8-8 फिंदे बिनती जाऊंगी तो 8 फिंदे बढ़ाना है। पहली बार में 5 8, ये देखें एक फिंदे से 2 फिंदे बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से 8 फिंदे बढ़ा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखो 8 फिंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। अब देखो रेड कलर लगाएंगे तो 10 फिंदे बढ़ाएंगे। उल्टी साइड से फिंदे नहीं बढ़ाने हैं हमें, सीधी तरफ से ये पूरी रो हम इसी तरह से बुन जाएंगे। तो बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें रेड वाली में हम 10 फिंदे बढ़ाएंगे। एक फिंदे से हमें 2 फिंदे बनाने हैं। ये देखें हमने एक बढ़ा लिया। आपको फिर से दिखाती हूँ किस तरह से बढ़ाना है। ये देखें दूसरा फिंदा, 1 इधर से बिना, 2। तो ये देखें कितनी लाइन है, 1 रेड की बन गई, 2 3। इसी तरह से हमें 11 लाइनें बनानी है। अब हम 10-10 फिंदे बढ़ाएंगे। अब हमें सिर्फ आगे पीछे नहीं करने हैं, सिर्फ 10-10 फिंदे बढ़ाने हैं। तो इसी तरह से फिंदे बढ़ाऊंगी, 104 फिंदे बढ़ाने हैं। ये 11 लाइनों में 104 फिंदे हो जाएंगे आपके। आप 10 चाहें 10 बढ़ा सकती हैं, 8 बढ़ाएं 8 बढ़ाएंगी, और अगर 11 चाहें 11 12 तक बढ़ा सकती हैं इसी तरह से। और आपको इसी तरह से 104 फिंदे बढ़ाने हैं तो हमारे पास 162 फिंदे हो जाएंगे। तो 162 फिंदे मैं कर लेती हूँ और 11 लाइनें बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखो मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे 160 फिंदे हो गए हैं। अब देखें आगे हम किस तरह से बनाएंगे। ये साइड का फिंदा है,
ये देखें इस तरह से एक फंदे को उतारा। अब यहाँ से देखें, अब चोटी वाली डिजाइन हमें यहाँ पे डालनी है। एक फंदे को रेड करेंगे और उल्टी साइड से हम सीधा बनेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरी रो को निकालनी है। तो निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो पूरे पे मैंने एक वाइट और एक रेड कर लिया। अब इधर से देखें, इधर से भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब जितने भी ट्विस्ट ये किए हुए वो हैं अंटे, वो इसी तरह से आप छूट जाएंगे। ये देखें, पूरी रो को इसी तरह से बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने चोटी वाली डिजाइन पूरी कंप्लीट कर ली है। अब आगे देखें, रेड कलर से हमें 6 सलाई निकालनी है। इस तरीके से सारे फंदे रेड हो जाएंगे और बाइट को हम यहीं छोड़ देंगे। तो 6 सलाई निकालने के बाद चोटी वाली डिजाइन फिर से डालनी है। पूरी रो में इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का बता। ये देखो हमने सलाई पूरी उल्टी साइड से निकाल ली। अब इधर से उल्टा उल्टा बनाना है, ना हम कोई फंदे को बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, इतने ही फंदे रहेंगे। तो 6 सलाई हम निकालेंगे, 3 सलाई इधर से, 3 सलाई उधर से, फिर ये चोटी वाली डिजाइन डालेंगे। तो इतना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे की डिजाइन बताती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे 3 सलाई निकालनी, 1 2 3, 3 इधर से 3 उधर से, और ये चोटी वाली ऊपर भी डिजाइन हमने डाल ली है। अब देखें आगे हम किस तरह से बनाएंगे, वो देखें आप। ये देखें इस वाले फंदे को उतार लिया, अब अपनी साइड धागा करेंगे, यहाँ पे अंटा लगाते हुए एक फंदे को बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे बना लिए। बैक साइड धागे को करेंगे। अब यहाँ पे देखें 3 का 1 करना है, बीच वाला फंदा है उसे आगे ले आना है और इसको सीधा बनाना है। अपनी साइड धागे को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद देखें इस वाले फंदे पे इस तरह से हम फंदे को बढ़ाएंगे। अपनी साइड धागे को इस तरह से करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद फिर से देखें। ये देखें जो तीसरा फंदा है, बीच का फंदा है, वो आगे ले आए और 3 का 1 कर देंगे। अपनी साइड धागे को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद फिर से देखें 2 फंदे बढ़ाएंगे, 1 इधर से और 1 अंटा लगाते हुए। इसी तरह से हम फंदों को बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद देखें बैक साइड धागे करेंगे, जो बीच का फंदा है उसे आगे ले आए और यहाँ पे देखें 3 का 1। तो इसी तरीके से पूरी रो में हमें डिजाइन को बनाते जाना है, 1 2 3 4 5 6
सात आठ, आठ के बाद दो फिंदे बढ़ाएंगे, एक इधर से एक अंटा लगाते हुए, फिर आठ फिंदे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ के बाद यहाँ पे तीन का एक, इस तरीके से, फिर आठ फिंदे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ के बाद देखें इस तरह से गले वाली चैन, फिर आठ फिंदे, फिर दो फिंदे बढ़ाएंगे, इसी तरह से हमें एंड तक जाना है। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ये देखो अब यहाँ पे एक इस तरह से सिर्फ एक बनेगी। अब रेड कलर नहीं लगाना है, अब पूरी सिलाई में हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये ध्यान रखिएगा दोनों तरफ हमें एक फिंदे पे या दूसरे वाले फिंदे पे जाली बनानी है दोनों तरफ शुरुआत में, और बीच में उसी तरह से जिस तरह से आठ फिंदे इधर बनेंगे आठ उधर बनेंगे, बीच में तीन का एक करेंगे, फिर दो फिंदे बढ़ाएंगे, इसी तरह से इसको डिजाइन को बनाएंगे। और उल्टी साइड से हमें कुछ नहीं करना है, सारे फिंदे हमें बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो कर लेती हूँ फिर आपको आगे की डिजाइन आपको बताती हूँ। ये देखें अब सीधी साइड, फिर से देखें यहाँ पे अब दो फिंदे बनाएंगे, एक बढ़ाया हुआ, अब फिर से अंटा लगाएंगे, एक फिंदे फिर से बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब सात के बाद देखें यहाँ पे, ये देखें जो तीसरा फिंदा आया चैन वाला वो आगे की साइड, और यहाँ पे तीन का एक। अब सात फिंदे बनेंगे, पहली बार में मैंने डिजाइन को शुरुआत किया आठ फिंदों से, आठ इधर आठ इधर। अब देखें यहाँ पे इस तरह से एक दो तीन, अब फिर से देखें अंटा लगाएंगे और फिंदे को बढ़ाएंगे और सात फिंदे बनेंगे। ये बहुत सरल है और बहुत सुंदर लगती है बनने पे, एकदम पत्ती सी बनती जाती है, तो ये बहुत सुंदर लगेगी पत्ती। ये देखें यहाँ पे चैन वाले हैं तो हम चैन बनाएंगे, तीन का एक करेंगे और सात फिंदे बिन लेंगे। अब पता चल रहा है पहली बार में गिनना पड़ता है फिर नहीं इतना। अब देखें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अंटा लगाएंगे, एक तरफ हम इसी तरह से फिंदे को बढ़ाएंगे और एक तरफ अंटा लगाते हुए फिंदे को बढ़ाएंगे, पूरी रो में हमें इसी तरीके से बनाना है। ये देखें अब यहाँ पे चैन है तो एक हम इधर से लेंगे एक उधर से लेंगे और तीन का एक कर देंगे, ये देखें। फिर सात फिंदे बिन लेंगे, यहाँ पे चार फिंदे सीधे अंटा लगाते हुए, ये देखें सात फिंदे उल्टे, पूरी रो में हमें इसी तरीके से बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तीन का एक, जो बीच का फिंदा है वो अपनी आगे साइड ले आनी है, फिर तीन का एक कर देना है, बहुत इजी है ये। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो उल्टी साइड से कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधी साइड से हमें डिजाइन को आगे बढ़ाना है। तो ये देखें यहाँ पे तीन फिंदे हो जाएंगे, अब देखें एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पे एक फिंदे कम है तो बढ़ा लेते हैं, ये देखें छः होना चाहिए,
यहाँ पे एक कम था तो मैंने एक बढ़ा लिया। अब यहाँ पे देखें तीन का एक, अब इधर देखें एक दो तीन चार पाँच, ये देखें छः, तो छः हैं। अगर आपके पास फिंदे अगर कम हो जाएं इधर उधर से, जैसे दो का एक बिन लिया नहीं ध्यान रखा, तो यहाँ पे एक फिंदे को बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो डिजाइन ये टेढ़ी सी हो जाएगी, ये पत्ती सीधी जाएगी नहीं। तो यहाँ पे छः हैं तो यहाँ पे भी छः ही होना चाहिए, अब की बार में पाँच पाँच रह जाएंगे, फिर चार फिर तीन फिर दो फिर एक, इस तरह से ये डिजाइन ऊपर पत्ती की साइड पे बनती जाएगी। और यहाँ पे आप देखें इसी तरह से हम फिंदे बढ़ाते जाएंगे, ना कोई फिंदे को हमें कम करना है, ये जो हम कम कर रहे हैं वो पूरे पूरे होते जा रहे हैं, साइड साइड से हम फिंदे को देख बढ़ाते जा रहे हैं, जो बड़े बड़े फिंदे हैं वो हम सीधे बुनते जा रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बिन लिए, अब यहाँ पे देखें तीन का एक, तो इसी तरह से हम ये फिंदे कम करेंगे, कम करते जाएंगे और बीच में ये फिंदे बढ़ते जाएंगे, बड़े बड़े फिंदे सीधे होते जाएंगे, ये हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, तो इसकी ये पत्ती सुंदर सी पत्ती बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।